वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, ये क्लास टेंथ के लिए है। और यहाँ पे जैसे देखिए, आपको पता होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण अगर आपका स्कूल या कोचिंग में ये स्टार्ट हो गया होगा तो आपको आई थिंक पता होगा, और नहीं होगा तो मैं आपको ऑनलाइन जो है क्लासेस यहाँ पे करा रहा हूँ, वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं अभी लाइव इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि चूंकि हर कोई अभी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, इसलिए स्टूडेंट वहाँ पे जुट नहीं पा रहे, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर बाय चैप्टर जो मेन मेन टॉपिक है उस टॉपिक को मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करता रहूँ। तो इसमें से क्या होगा कि आप किसी टाइम भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर आप किसी भी बोर्ड से हैं, बिहार, यूपी, कोई भी बोर्ड हो या तो फिर सीबीएसई के स्टूडेंट हो, तो आपके किताब में, आपके सिलेबस में ये जरूर लेसन दिया हुआ है। इसको जो है, इसको बनाने का जो तरीका है, जो हल निकालते हैं, जो सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू निकालते हैं, इसमें निकालने का पांच तरीका है जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तुलनात्मक विधि हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय कंपैरिजन, यानी कि कंपेयर करते हैं किसी को। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बदल देना, स्थापना कर देना, इतना तो समझ रहे होंगे आप। लुप्तिकरण, लुप्तिकरण को बोलते हैं बाय इलिमिनेशन, यानी कि किसी चीज को लुप्त कर देना, इसको दूसरा नाम है लुप्तिकरण का, विलोपन विधि बोलते हैं, विलोपन विधि। तो लुप्तिकरण यानी कि किसी चीज को लुप्त कर देना, हटा देना, गैप कर देना, इस तरह से। नेक्स्ट आपका है वज्र गुणन विधि, और ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ये है आपका। और नेक्स्ट आपका है अनुपात निर्णय विधि, बाय रेशियो डिटरमिनेशन। तो मैं छोटा छोटा वीडियो बना करके इसको पांचों का अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा। तो सबसे पहले अभी तो मैं आपको तुलनात्मक विधि के बारे में बताऊंगा कि तुलनात्मक विधि के द्वारा बाय कंपैरिजन के जरिए आप कैसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर सकते हो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगा तो बेल आइकन इसको और दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ तुलनात्मक विधि इसको कैसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे लेता हूँ, 2x + 3y = 9, 3x + 4y = 26, ये समीकरण फर्स्ट समीकरण से ये आपका दिया हुआ है। इसको हल करने के लिए बोला जा रहा है, इसको हल करेंगे यानी कि सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इसका नाम ही है तुलनात्मक विधि, अगर आपको एग्जाम में आ जाएगा कि तुलनात्मक विधि यानी कि बाय कंपैरिजन से इसको सॉल्व करें, तब तो ये विधि अपनाना पड़ेगा। और नहीं तो मैं इसमें से सबसे इजी विधि बताऊंगा, लुप्तिकरण विधि, जब आपका तीसरा वीडियो आएगा इसी का सीरीज का, तो सबसे इजी ये आपका विधि लगेगा। ओके, मेथड आपका सबसे इजी मेथड है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो तुलनात्मक विधि जान लेते हैं कि तुलनात्मक मतलब क्या होता है जी, कंपैरिजन, कंपैरिजन यानी कि तुलना करना कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। अगर इस समीकरण में x का मान निकाल लेते हैं और इस समीकरण में भी x का मान निकाल लेते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर, यानी कि दोनों को तुलना कर देंगे। तुलना करने मतलब बराबर करना, या तो y का मान निकालेंगे इस समीकरण से, या तो इस समीकरण से y का मान निकालते हैं। हवा बहुत काफी तेज चल रही है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे गर्दा वगैरह आ जा रहा। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले सबसे पहले इसको हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट को, फर्स्ट यहाँ पे देखिए 2x + 3y = 9 यहाँ पे है। अब पहले इसमें से x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू यानी कि इसको निकालेंगे तो ये 3y को उधर भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x = 19, अब प्लस उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, -3y बन जाएगा। ओके, -3y यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ x का वैल्यू निकालना है ना, तो 2 को भी उधर हटा के भेजेंगे। आपको ये तो पता ही होगा समीकरण कैसे बनाते हैं, 9y - 3 19 - 3y / 2 को ले चल जाएंगे इधर, तो कहाँ जाएगा, गुना में है 2, x क्या हो रहा है, गुना मल्टीप्लीकेशन हो रहा, तो नीचे आके क्या हो, डिवाइड हो जाएगा, ये x का वैल्यू इसमें से आ गया। ओके, दूसरा मैं यहीं पे बता देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ओके, सेकंड से यहाँ पे लिख लेते हैं, सेकंड आपको क्या दिया, 3x + 4y = 26 ये दिया हुआ है। अब इसमें भी x का मान निकालेंगे, देखिए ध्यान देना है, अगर इसमें y का वैल्यू निकालेंगे तो इसमें भी y का वैल्यू निकालेंगे, तब तो कंपैरिजन करेंगे। इसमें x का मान निकालेंगे तो इसमें भी x का मान निकाल, तो इसमें हम मैंने x का मान निकाला, आप इसमें अभी इसमें भी क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो 4y को उधर भेज देते हैं राइट हैंड की तरफ, 4y - 4y देखिए प्लस में उधर क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए x वैल्यू बचेगा, 3 जो है मल्टीप्लीकेशन गुना में है, तो जाके क्या बन जाता, भाग बन जाता है। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ भी है, x का वैल्यू यहाँ पे, तो आपको पता है जब x का वैल्यू यहाँ पे है इतना है, यहाँ पे इधर है, तो कहीं ना कहीं दोनों का वैल्यू जो है बराबर होगा। इसी को यही लिए हमको क्या करना है, तुलना करना है। अब देखिए यहाँ पे इसलिए क्या करेंगे,
ये दोनों को जब बराबर करेंगे तो x x तो दोनों बराबर है, यानी कि 19 यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट इक्वल टू यानी कि बराबर समीकरण सेकेंड। ओके अब समीकरण फर्स्ट है तो x x तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या x का समीकरण फर्स्ट क्या है, x में क्या मान आया यहाँ पे 19 माइनस 3y बाई 2 आया, और y इधर में क्या आया समीकरण सेकंड में क्या वैल्यू आया 26 माइनस 4y बाई 3, ये वैल्यू आपका आ गया। अब इस तरह के समीकरण को सोल्व करने के क्या करते हैं, इसको ये जो है इसको इससे गुणा करते हैं, इसको पूरा इधर से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। ओके तो यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे मैं इसको गुणा करता हूँ तो देखिए दो को इससे गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 26 माइनस 4y, कैसे गुणा करेंगे दो इससे जाके गुणा हो जाएगा तो दो यहाँ पे लिख दिए। ओके और 3 जो है इससे गुणा हो जाएगा, जब ऐसा समीकरण दिया रहे बराबर है बीच में तो नीचे वाला को ऊपर से तिरछा, तिरछा क्या करते हैं मल्टीपल इनकी गुणा करते हैं और इसको जो है इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 19 माइनस 3y इसको 3 से गुणा कर देंगे, देखिए कर दिए। अब आप इसको देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, दो से गुणा करेंगे तो 26 दुना 52 हो जाता है, 4 दुना 8y हो जाता है, यहाँ के 19 का 19 19 दुना 19 दिया 57 हो जाएगा और 3 दिया 9y हो जाएगा, देख रहे हैं आप। अब सिर्फ यहाँ पे y y बच रहा तो क्या करेंगे, या तो इस 9 को y को इधर लाइए या तो 8y को उधर ले जाते हैं, तो ऐसा करते हैं y को इधर लाते हैं, इधर तो 8y लिखा हुआ है तो और 52 जो यानी कि जो अचर पद है इसको इधर कर लेंगे और जो चर पद इसको इधर कर लेंगे, तो 8y इधर ही है, 8y को ऐसे ही रहने देते हैं, 9y इधर माइनस में है, इधर आप क्या बन जाएगा प्लस में 9y बचेगा, 57 लिखा हुआ 57 यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, 52 प्लस में है, इधर जाके क्या बन जाएगा माइनस में बन जाएगा 52। अब देखिए आप कि 9y में से 8y घट जाएगा तो क्या बचेगा, y बचेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का निशान दिया यहाँ पे, अगर माइनस में 9 होता तो माइनस आंसर आता, 57 में से 52 घट जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो y का मान क्या आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे y का यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी आप रख सकते हैं। ओके समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो आप समीकरण आपका फर्स्ट क्या था, जी देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट आपका ये था, ये समीकरण फर्स्ट था, ये समीकरण सेकंड था। अब आप समीकरण फर्स्ट का मान रख देंगे या तो फिर आप इसमें भी रख सकते हैं मान, इसमें भी मान रख सकते हैं, इसमें अगर रखेंगे तो क्या इसमें भी सेम आ जाएगा, वाई का वैल्यू रख देंगे तो एक्स का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, तो चलिए ज़्यादा बेटर है कि इसी में हम वैल्यू रख लेते हैं चूंकि वही आने वाला है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा समीकरण फर्स्ट आपका क्या था, एक्स एक मिनट एक्स इक्वल टू 19 माइनस 3y बाई 2, ये था आपका समीकरण फर्स्ट, यहाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ समीकरण फर्स्ट से जो बनाए थे यहाँ पे ये आ गया था, है ना, ये मेरा आ गया था, इसमें भी रखेंगे तो वहाँ आएगा लेकिन इसको जब बनाएंगे तो फिर यही आने वाला है, इसलिए डायरेक्ट इसको मैं उतार लिया। ओके अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनाते हैं y का मान कितना है जी, y का मान आया 5 है ना, तो 3 इंटू 5 बाई 2, देखिए 19 है 3 पचे 15 हो जाएगा बाई 2 और 19 से 15 घटेगा 4 बाई 2 2 दूना 4, तो यहाँ पे x का मान कितना गया 2 आ गया, इसलिए x से बराबर 2 और y बराबर 5। ओके तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही इजी यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देखने को मिला है। तो आपको तुलनात्मक विधि में हमेशा याद रखेंगे, पहले या तो इस समीकरण से y का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों को y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो दोनों का x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसको निकालने के बाद दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे, बराबर करने के बाद इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, जो कि आपको यहाँ पे मैंने करके बता दिया हूँ, गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको समीकरण तो पता होगा किस तरह से यहाँ पे गुणा करते, तो y का वैल्यू निकल गया 5 और y का मान फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे भी रखे इतने आंसर आ गए, यहाँ पे भी रखेंगे तो वही आंसर आने वाला, देखिए 4 पचे 20 हो जाएगा, 26 में से 20 घटेगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा और 3 को भाग करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2 आया। तो इस तरह से मेरा पहला विधि जो है तुलनात्मक विधि फिनिश हो गया, मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा जिसमें रहेगा प्रतिस्थापन विधि, सेम क्वेश्चन रहेगा और आंसर भी सेम आएगा। ओके तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपके पास हर वीडियो आएगा इसीलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।